सर नमस्कार सर, कम से कम आज दो बाइट जो भी हो रहा है उस बारे में थोड़ा हमें बताइए सर। जो इतना दिन कहा था वो आज क्यों आया? आज आके मोटर साइड से देखा चोर वगैरह। नमस्कार, मैं अनिता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या होगा इन बच्चों का जो इस कदर आज सड़क पर उतर आए? सभी के अंदर आक्रोश और गुस्सा नजर आ रहा था। चिलचिलाते धूप में इन विद्यार्थियों ने रैली निकालते हुए उत्पल शर्मा चोर है बोलते नजर आ रहे थे और वे उत्पल शर्मा जी से बात करने को तैयार ही नहीं थे। विद्यार्थियों का एक एक पल कितना कीमती होता है कौन नहीं जानता, लेकिन जब बात सालों साल की हो तो क्या करें। 300 से भी ज्यादा बच्चों ने यह पद यात्रा डॉलीगंज डिब्रेट से होते हुए सेक्रेटरिएट तक निकालना, जिसमें उन्हें बीच बीच में पुलिस कर्मियों द्वारा रोकने की कोशिश की गई, मगर बच्चे भी आज कहां मानने को तैयार थे। उनके इस पद यात्रा में श्री विष्णु पदराय जी भी शामिल हुए। विद्यार्थियों का यह रूप ऐसा उग्र रूप था कि उन्होंने बैरिकेड को तोड़ते हुए पुलिस कर्मियों के बल को नाकाम कर दिया और आगे बढ़ते गए। श्री विष्णु पदराय जी ने भी बच्चों को समर्थन देते हुए उनके साथ चीफ सेक्रेटरी से मिलने भी गए और इसी कोशिश में रहे कि बच्चों के मांग पूरी हो सके। आखिरकार सेक्रेटरिएट पहुंचकर यह फैसला लिया गया कि श्री विष्णु पदराय जी और 11 बच्चों की टीम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस तरीके से आप देख रहे हो कि अब जो स्टूडेंट्स डीबीएड के जो बच्चे हैं वो अब सड़क पर उतर चुके हैं और वे अब आज एक पद यात्रा निकाले हैं डॉलीगंज के डीबीएड से राजनिवास तक। अब इनका ये मानना है कि अब इनको अपनी बात राजनिवास तक पहुंचानी ही पड़ेगी, क्योंकि यहां पर अब तक ना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ना ही डीबीएड मैनेजमेंट से, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ने इनके पास आया, इनको आश्वासन दिया कि इन लोगों की जो मांगे हैं उसको पूरी की जाएगी। बच्चों के भविष्य का सवाल है, इनकी कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है, इनको इनके सर्टिफिकेट्स की टेंशन है, इनके एग्जाम्स की टेंशन है, इसी को लेके आज बच्चे अब सड़क पर आ चुके हैं। हाँ बोलो। आज हम लोग रैली निकाले हैं, 8 दिन हो गया, अभी तक का कोई सोल्यूशन नहीं आया। आज उत्पल शर्मा को बैठा के ही मानेंगे हम लोग, कोई भी रोकना है उसको तोड़ के जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे काफी आक्रोश में और वो कह रहे हैं कि चाहे भाग ना। पुलिस ने बैरिकेड लगाया था मिनी पे जंक्शन पे, मगर बच्चों ने बैरिकेड को तोड़ कर वे आगे बढ़े हैं। हाँ बोलो। पुलिस बल द्वारा मुझे मारा गया, यहाँ में धक्का लगा, लाल हो गया मेरा चप्पल, मेरे को वहाँ गिरा दिया, तो इसके लिए भी आप लोग कुछ उठाइए। स्टूडेंट्स पावर, स्टूडेंट्स पावर। अजय कविराज। तो जैसा आपने सुना, अजय कविराज जो कि डीबीएड के स्टूडेंट है, उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें मारा, उन्हें चोट के निशान भी लगे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही बुरा रवैया है कि उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है और वो अगर रैलीज वगैरह निकाल रहे हैं तो पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है।
शुरुआत से जो आप देख रहे हैं कि एबीवीपी बच्चों के सहयोग में शुरू से ही है। चलिए अभी सीधा सीमा जी से बात करते हैं और आज के जो डिबेट का जो ये स्ट्राइक है उसके बारे में जानेंगे। डिबेट का मैटर कंटिन्यूसली अंडमान की जनता 4-5 दिनों से देख रही है। अभी मामला इतना बढ़ गया है कि बच्चों को अभी एलजी हाउस तक पैदल मार्च करके इतने धूप में जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये सही था कि आप लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा था, आप उनको तोड़ते हुए निकले हो? वो उनका काम था, वो उनका काम था सिटी में पीस मेंटेन करने के लिए। हम लोग भी पीस के साथ ही जा रहे हैं और अपने राइट का वायलेशन हो रहा है इसीलिए जा रहे हैं। आप लोग राजनिवास जा रहे हैं, इस बारे में पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया है? जिन्होंने वहाँ पूछा था उन्हें बताया गया है। कुछ फॉर्मेलिटीज हमने कम्प्लीट नहीं की क्योंकि फॉर्मेलिटीज हम लोग 2 साल से कम्प्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आपने देखा है सीमा जी इससे बता रहे हैं कि अब ये नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए अब ये इस बात को नहीं मानेंगे और इन्हें एफिलिएशन चाहिए, इनके एग्जाम्स होने चाहिए, इनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और साथ में अब इनकी ये बहुत ही दृढ़ मांग है कि अब श्री उत्पल शर्मा जी जो प्रिंसिपल है अब उनको डिबेट से हटाना ही पड़ेगा। चलिए आप बताइए आज की इस रैली के बारे में। रैली हम लोग कितना दिन से, एक हफ्ता से ले लेकर के 2 हफ्ते से हम लोग वहीं पे बैठे हैं, कॉलेज के सामने ही बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक मतलब कोई ढंग का कोई आके हम लोग से बात नहीं किया। तो ऑफिशियली बात करके मैटर सॉल्व करने की इसमें कोई यही नहीं है। तब भी हम लोग निकले, सब फुल बोर्ड बिल्डर को पता चले बच्चों लोग कौन सा प्रॉब्लम में झेल रहे हैं, बच्चों लोग कौन क्या, बच्चों लोग एग्जाम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर पांडिचेर से बोला एग्जाम लिखने के लिए लेकिन उसमें भी कंडीशन देके बच्चों लोग को बोला एग्जाम लिखाओ, तो बच्चों लोग अगर एग्जाम लिख भी दिया अंडरटेकिंग में साइन भी कर दिया तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा क्या नहीं, उसका भी कोई भरोसा नहीं। सीमा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों के साथ खाली बीटेक के स्टूडेंट है या डिप्लोमा वाले भी जुड़े हैं? बीटेक डिप्लोमा दोनों हैं क्योंकि उन सभी को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उनका भी प्रॉब्लम है, इसीलिए सारे बच्चे अभी एक साथ आ रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अभी स्कूल लाइन के यहाँ पे बच्चे लोग रुके हैं और खूब जोर का नारा लगा रहे हैं। अब बच्चे पूरे अंडमान निकोबार के सभी लोगों को बताना चाह रहे हैं और इनका ये कहना है कि उन पर जो जुल्म हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है कि इतने सालों से जो इनका एफिलिएशन का मांग उसको नहीं पूरा किया गया है, इनके एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, कई बार एग्जाम्स कंडक्ट नहीं भी हो रहे हैं, जो हो रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं, डिबेट कॉलेज का एफिलिएशन नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोई सी चीज़ को ध्यान पे नहीं दिया गया है। और साथ में जब बच्चों लोगों ने ये भी बताया है कि श्री उत्पल शर्मा जो कि प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर में कई सारे केसेस चल रहे हैं उस बारे में उन्होंने बताया और उन्हीं की वजह से कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ये एफिलिएशन का मामला रुका हुआ है। ये जानना चाहेंगे कि क्या अब अंडमान की प्रशासन या एजुकेशन डिपार्टमेंट या डिबेट मैनेजमेंट इस बारे में कुछ करेगी, इन बच्चों की सहायता करेगी। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बेमतलब का सड़क पर उतरे और इस तरीके का प्रदर्शन करे, मगर जब उन्हीं बच्चों का देश के भविष्य यानी कि अगर इन बच्चों के साथ, इन बच्चों के एग्जाम के साथ, इनकी शिक्षा के साथ अगर किसी भी तरह का खिलवाड़ हो, अन्याय हो, तो बेशक इसका मतलब यही है कि हमारे देश के भविष्य के साथ ऐसा हो रहा है। इन बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये तो हमने सिर्फ एक पहलू से आप लोगों को अब तक बताया है कई दिनों से, सिर्फ बच्चों की ज़ुबानी, क्योंकि ना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई बात करने को हमसे तैयार था, ना ही डिबेट के मैनेजमेंट से कोई बात करने को तैयार था, लेकिन जब भी वे तैयार होंगे अपनी राय देने के लिए इन सारे मसलों के ऊपर में, हम आप लोगों को उसका कवरिंग ज़रूर दिखाएंगे और बताएंगे कि असली मुद्दा क्या है। फिलहाल जो दिखा रहे हैं वो हम आपको बच्चों की तरफ से दिखा रहे हैं, बच्चों के डिमांड्स बता रहे हैं। बताइए आज के स्ट्राइक के बारे में। आज के स्ट्राइक में देखिए सर, हम जोर से हम डिप्लोमा का स्टूडेंट है सर, हम पास आउट है डिप्लोमा से, पर डिप्लोमा का अभी तक एफिलिएशन नहीं है, तो हम एफिलिएशन नहीं है डिप्लोमा का भी नहीं है सर, तो हम लोग सर्टिफिकेट का भी क्या करेंगे सर, हायर स्टडीज भी नहीं कर सकते उस सर्टिफिकेट से, फिर अभी करेंगे कैसा, मतलब अभी 3 साल पढ़ के तो वेस्ट ही हुआ ना सर। देखिए जैसे अब तक आपने सिर्फ बीटेक के स्टूडेंट्स का सुना था,
अब जो डिप्लोमा पास आउट है उनका भी ये कहना है कि जब इनका जो कॉलेज है वो एफिलिएटेड ही नहीं है, तो उनका ये दो साल तो बर्बाद हो गया क्योंकि उन्हें ना सर्टिफिकेट्स मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो अब इनके साथ में डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी जुड़ चुके हैं। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कड़ी धूप में डीप रेड डॉलीगंज से निकलते हुए बच्चे जा रहे हैं राजनिवास तक का, और रास्ते में उन्हें रुक के उन लोगों ने यहाँ पे पानी पिया, डाब पिया और फिर अपने यात्रा पे आगे निकल पड़े। हम आपको बता दें कि इसमें कई सारे संगठन हैं जो बच्चों का साथ दे रहे हैं, वो भी उनके साथ में हैं। कुछ शायद हमारी जानकारी से हमें पता चला है कि शायद कुछ प्रोफेसर्स भी हैं जो बच्चों के साथ अब खुल कर आए हैं, और बहुत सारे संगठन हैं जो बच्चों के साथ अब इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आगे अभी डेयरी फार्म जंक्शन में फिर से पुलिस वालों ने बैरिकेड डाल रखा है और बच्चों को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि बच्चे आ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना बच्चे लोगों ने नारे में अपना बहुत सारे बदलाव लाए हैं। फिलहाल कह रहे हैं बेशरम कौन है, उत्पल शर्मा, उत्पल शर्मा, उत्पल शर्मा चोर है, उत्पल शर्मा चोर है वगैरह। किस कितने तरीकों का नारा लग रहा है प्रिंसिपल के खिलाफ में। उत्पल शर्मा चोर है, उत्पल शर्मा चोर है। अग्नि घाट की तरफ बढ़ चुका है जैसे आप देख सकते हैं बीज बाजार में होते हुए। चलिए अब उत्पल शर्मा जी आ गए, जो प्रिंसिपल है वो खुद आ गए हैं, और हम देखते हैं कि उत्पल शर्मा क्या कहते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें प्रिंसिपल उत्पल शर्मा जी से बात नहीं करना है और वो उनके रेसिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। उत्पल शर्मा जी जो प्रिंसिपल है उनके रेसिग्नेशन की बात कर रहे हैं, और ये बच्चों का काफिला आगे निकल चुका है। चलिए हम कोशिश देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हो कि जो प्रिंसिपल है उत्पल शर्मा जी वो भी हमारे साथ हैं। चलिए हम उनसे जाने की कोशिश कर, इधर आ जाओ सर। नमस्कार सर, कम से कम आज दो बार जो भी हो रहा है उस बारे में थोड़ा हमें बताइए सर। सर बच्चे तो बता ही रहे हैं सर, उन लोगों के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। ऑर्डर आ गया ना कोर्ट का, आपको मालूम है एग्जाम चल रहा है। जी 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 सर, तो बच्चों का एफिलिएशन का मामला तो ऑलरेडी है। ओके okay. तो बच्चे पे क्यों डिमांड कर रहे हैं सर? आप पूछ लीजिए उनसे सर, वो तो बता रहे हैं, हम आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं।
सर और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? उत्पल सर हमारे दर्शकों को और कुछ बताना चाहेंगे? जी ठीक है, चलिए समय आने पर उत्पल जी हमें ज़रूर बताएंगे, है ना सर? समय पर बताओगे ना? जिस तरीके से आपने देखा है कि उत्पल शर्मा जी ने चंद शब्दों में अपनी बात को ख़त्म कर दी है और वो कह रहे हैं कि जो पूछना है बच्चों से पूछो, एग्जामिनेशन भी होगा और उनका ये भी कहना है कि एफिलिएशन भी है, तो फिर आखिर बच्चे ये स्ट्राइक कर क्यों रहे हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बीच गोलघर का जो जंक्शन है वहाँ पे बीच में बैठे हैं और नारा लगा रहे हैं। आज इनका जिद है कि इनकी मांगे आज मंगवा के ही रहेंगे। फिलहाल अभी हम अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी यानी कि कांग्रेस भवन के सामने हैं और बच्चे यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां पे रुक गए और वो मांग कर रहे हैं कि एमपी भी उनका साथ दे, उनका सहयोग दे बच्चों की इस लड़ाई में। आगे हम देखेंगे कि एमपी साहब जी का, कुलदीप राय शर्मा जी का क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर और ये बच्चों का जो ये स्ट्राइक है, जो काफिला है, ये और कहाँ तक जाता है। फिलहाल अब लाइट हाउस ट्रैफिक सिग्नल के पास बच्चे लोग पार कर रहे हैं, यहाँ पर भी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर बच्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलते रहो सीधे में। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी विष्णु पंद्रह जी भी उनके साथ जुड़ गए हैं। पता है पास मेरा बात सुन, रुको सुनो।
अच्छा साइड हो, साइड हो, साइड हो, हेलो बेटा, इधर जाके केस से मिलो, इधर आएगा, चलो जाने वक्त जाओ, साथ में आम भी रहूँगा, बाप भी करेंगे, केस से मिलेगा, इधर आएगा, चलिए अभी तुमको जाके सी एस सी मिलाएंगे कैसा रहेगा। जैसा आपने सुना कि अब एक्स एमपी जो है विष्णुपद राय जी, उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया है कि वो खुद उनके साथ जाएंगे और उनका सी एस साहब से मुलाकात कराएंगे इस पूरे मसले को लेकर। जल्दी जल्दी आगे आप देख सकते हो बहुत भारी पुलिस बल लाठी डंडों के साथ इन बच्चों को रोकने के लिए खड़ी है और एलजी ऑफिस जाने से उनको रोकने के लिए वहां खड़ी है। वही दूसरी तरफ बच्चे वहां पे सामने आके रुक गए और बैठ गए। जैसे कि आप देख सकते हो पुलिस जो है अब वो भी थोड़ी आक्रोश में है और लाठी डंडे के साथ खड़ी है। फिलहाल जैसे देख सकते हैं जो आउट बाहर जाने का जो दरवाजा है सचिवालय का वो यहां से बंद किया गया ताकि बच्चे यहां से ना चढ़ें। अरे कहाँ बोलेगा तुम, अभी कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जा रहा है कहाँ? खाली सूरज बात करेंगे। सुनो सुनो दादा दादा, खाली सूरज को बात करेंगे। सुनो अभी 10 आदमी जाके मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो वेल एंड फाइन। पॉजिटिव रिस्पांस आज का रिजाइन करना उत्पल शर्मा साइन करके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे जो एक्स एमपी है विष्णुपद राय जी, उन्होंने भी बच्चों से बात की, उन्होंने उनको समझाया। उनका ये कहना है कि सेक्रेटरी के सामने आके बच्चे लोगों को रोका और उन्हें ये समझाया कि इस तरीके से पूरी की पूरी जो यहाँ पे बच्चे हैं अगर वो सी एस साहब के साथ नहीं मिल सकते तो उन्होंने कहा कि अपने में से कुछ बच्चों को चुने और वो दादा के साथ मिलकर सी एस के पास जाएं और वो बात करें। लेकिन कई बच्चे नाराज़ हैं, बच्चे कई दिनों से ये सब देख रहे हैं कि हमेशा मीटिंग के लिए बुलाया जाता मगर कोई निर्णय नहीं निकाला जाता है, इसलिए बच्चों ने इस बात से इनकार किया और वो कह रहे कि जाएंगे तो सब जाएंगे वरना ये धरना इसी तरह चलता रहेगा। फिर दादा ने उन्हें दोबारा समझाया और अब बच्चे वहाँ पे अलग से एक मीटिंग कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे जहाँ पे वे
ना पुलिस वालों को मिलने दे रहे, ना हमें मिलने दे रहे, और वो आपस में डिस्कस करके बताएंगे कि आगे उनकी क्या कदम होगी। संजय, भैया रुको, तुम संजय मत करो, तरुण लेना, अनमोल अनमोल कृष्णा, सीमा शिवम, अयंत, विघ्नेश, मनोज केपी, एक्सएपी सर, जो भी डिसीजन हुआ ये है कि जैसे आपने देखा कि पुलिस वाले ने नाम बुला बुला कर एक 11 बच्चों को और एक्स एमपी श्री विष्णुपद राय जी को अंदर जाने की अनुमति दी है, जो जाएंगे और चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे, अपनी पूरी बातें बताएंगे और जो भी फैसला होगा उनके आने के बाद में हम आप लोगों को पूरा बताएंगे। क्या करना है? एग्ज़ाम डिस्टर्ब करेंगे, हम तुम लोग को बता देता, आज जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 30 आदमी लिखा, इसका मतलब यूनिटी टूटा। एक यूनाइट होकर एग्ज़ाम्स नहीं लिखेंगे तो क्लियर होएगा। अगर एक यूनाइट होकर एग्ज़ाम लिखते हैं तो अंडरटेकिंग को साइन नहीं करना पड़ेगा करके सर बोला। अगर लिखते भी है तो एक यूनाइट होकर लिखो, अगर नहीं लिखते भी है तो एक यूनाइट होकर लिखो, क्योंकि बॉयकॉट करेगा तो। मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चे लोग और चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलकर आए हैं और अब वो फैसला कर रहे हैं और हम जानेंगे भी कि क्या 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 डिसीजन हुआ चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग के बाद में। यूनिटी के साथ में सब अपना अपना क्लास में इनिशिएटिव लेगा, कौन लेगा बताओ? कल थर्ड ईयर का एग्जाम है, कल थर्ड ईयर का एग्जाम है, और अभी जो भी डिसीजन लेगा वो बाद में किसी और को ब्लेम मत करना, वो मेन है। किसी थर्ड ईयर कल एग्जाम लिखेंगे, बाकी सब भी बोलो कर्ज कर एग्जाम लिखेंगे, क्योंकि सीएस सर ने ये दिया बोला है कि आप लोग एग्जाम्स लिखिए, अंडरटेकिंग की जो भी बात है वो बात वो करके देखते हैं कि बच्चों को अंडरटेकिंग ना देना पड़े, बच्चों के ऊपर ये बात ना आए, ऐसा उन्होंने बात की है। और ये जो लेटर लिखा है ना, आज जो एग्जाम्स हुआ जो नहीं लिखा 65-70 स्टूडेंट्स, ये मेरा ये जो लेटर है इसमें क्लियरली लिखा है कि कंडक्ट एग्जाम्स फॉर 65-70 स्टूडेंट्स रिगार्डिंग विद ड्यू रेस्पेक्ट वी द स्टूडेंट ऑफ डिबेट आर सबमिटिंग फॉलोइंग पॉइंट्स। अराउंड 60-70 स्टूडेंट्स हैव नॉट अटेंडेड द एग्जाम कंडक्टेड ऑन 29/8/2022 ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट ड्यू टू फियर ऑफ अंडरटेकिंग। Request to conduct this exam at the earliest. About undertakings, we have raised the issue in today's meeting. Please look into and remove the undertaking. Question papers given to the students during examination is a Xerox copy. ये तीन point लिख के साइन करके सी एस सर को हाथ में देके आया, ऐसा नहीं कि उनको ऑफिस में देके आया। सी एस सर का पढ़ा भी वो पॉइंट को, वो पॉइंट पढ़ा और बोले कि मैं देखता हूँ। और अगर आज के दिन में तुम लोग जो डिसीजन लेते हैं, अगर सब बॉयकॉट करते हैं तो बॉयकॉट करो, लेकिन अगर सीएस सर का यही कहना है कि आप लोग एग्जाम्स लिखिए। सबको तो सब कुछ पता है कि अंदर चैम्बर में क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव बता दिया है, ठीक है, अभी इसमें ज्यादा और उलझने का बात नहीं है, और सबका इंडिविजुअल राइट है कि लिखे या ना लिखे, वो सबका इंडिविजुअल राइट है। जैसा सेक्रेटरीट से हम लोग डेलीगेशन का वहां से हम लोग ऐसा एडवाइजरी आया था कि आप बॉयकॉट मत कीजिए, आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए, बाकी बहुत जल्दी सॉल्व होएगा, वो उनका तरफ से अश्योरेंस है, बाकी आपके ऊपर है। और आप अगर एक पॉइंट आप अगर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे या कल से स्ट्राइक में बैठेंगे, वो आपका इंडिविजुअल राइट है, और आप करिए, और आपको जो भी स्टेप होएगा उसका एबीवीपी समर्थन करेगा। अगर आप लिखने मांगते हैं तो उसका भी हम लोग साथ में है, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग अंडरटेकिंग का शर्त में नहीं लिखने मांगते हैं तो उसका भी हम लोग साथ में है। और एक पॉइंट भाई, आज के दिन एग्जाम हुआ, आज कोई पढ़ के नहीं गया मेरे को पता है, क्योंकि कल तक तो स्ट्राइक में थे, कल का जो एग्जाम होएगा उसका कैसे पढ़ेंगे, आज तो स्ट्राइक करके इतना टायर्ड है। तुम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं ना सोच समझ के लो, क्योंकि अगर बॉयकॉट करता है सब करेगा वेल एंड फाइन, अगर बॉयकॉट नहीं करता है आधा लिखता है आधा नहीं लिखता है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि बॉयकॉट करता है तो ये मैसेज जाता है कि भाई हम लोग एग्जाम नहीं लिखेगा, क्योंकि हॉल टिकट नहीं है, जीरोक्स कॉपी है, टाइम नहीं दिया गया पढ़ने के लिए, हम लोग स्ट्राइक कर रहे थे तो टाइम नहीं दिया गया, हम लोग ये मुद्दा को यहाँ तक पहुँचाए तो सब मिलकर पहुँचाए, तो सब मिलकर अभी डिसाइड करो कि एग्जाम लिखना है कि नहीं लिखना, ये मेरा मैसेज है। पूरा डिफेंड करके यहाँ तक आए, तीन तीन बैरिकेड तोड़ के आज हम लोग ये 60-70 स्टूडेंट जो आज लड़के आए ना,
ये सबको ये मैसेज देते हैं कि स्टूडेंट्स पावर स्टूडेंट्स पावर छोटा मोटा नहीं है, ये स्टूडेंट चाहते हैं कल को कुछ भी कर सकते। ये विषय आप सब देखा होगा कि कुछ दिनों से बहुत सारा रैलीस वगैरह चल रहा था, इस तरह बैरिकेटिंग वगैरह भी हुआ, पर कोई उसको पार नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग का मुद्दा इतना स्ट्रांग है, हम लोग जेन्यून है, इसीलिए हम लोग पार कर पाए। अदरवाइज हम लोगों की तरफ से गलती होने से तो हम लोग नहीं कर सकते। आज तीन तीन बैरिकेड को हम लोग पार करके आए क्योंकि हम लोगों को पब्लिक को मैसेज देना था, ठीक है। हम लोगों का और कोई इंटेंशन नहीं था, हम लोगों का इंटेंशन क्या था, पब्लिक को मैसेज देना था कि हम लोग का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और हम लोग को आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक मुद्दा था। और ये चीज़ आप समझ जाइए कि जब स्टूडेंट्स एक साथ आएंगे तो इस तरह कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकता और आपको न्याय जरूर मिलेगा। सीमा जी, जल्दी से बताओगे कि जो सीएस साहब से मिला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप सब सुबह से थके हो धूप में ये सब में, तो जल्दी से थोड़ा हमारे चैनल को बताइए कि जो सीएस साहब से मीटिंग हुआ उसका क्या परिणाम निकला। सीएस सर से जब हम लोग मिलने गए, हम लोग ने प्रॉब्लम स्टार्ट ही की बताने की, सीएस सर को सारी प्रॉब्लम्स पता थी, उन्होंने खुद डिटेल्स में बताना स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट की वजह से लिटिगेशन गया, डायरेक्ट नाम नहीं लिया उन्होंने, और उन्होंने ये भी बोला कि इंडिविजुअल ईगो क्लासेस की वजह से ये प्रॉब्लम्स चल रही है और ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत सालों से हैं, तो जड़ से उखाड़ने में इसको समय लगेगा। और ये जो अभी के सीएस सर हैं उनके डायरेक्शंस, उनके ऑर्डर्स स्टूडेंट्स के फेवर में दिख रहे हैं, तो इससे पहले जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ थे वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट में ऐसे काम करते वाले नहीं दिखते थे, बट इनका एक्शन दिख रहा है, तो हम बच्चों को यही उम्मीद है कि सर स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो व्यक्ति इन सभी समस्या के पीछे हैं उसको जड़ से निकाल के उखाड़ के फेंकेंगे और इंक्वायरी जल्द से जल्द वो बैठाएंगे। जो आप लोग जो प्रिंसिपल उत्पल शर्मा जी के बारे में के रेजिग्नेशन की बात कर रहे थे, उनको हटाने की बात कर, उसको लेकर हमने ये भी बोला कि उत्पल शर्मा जी के जो सर्टिफिकेट्स हैं, कोर्ट ने जो जो भी बातें हैं, तो उन्होंने इनडायरेक्टली नाम नहीं लिया लेकिन उनको सारी बातें पता है, उन्होंने बोला उस व्यक्ति पर वो इंक्वायरी बैठाएंगे। अभी उसके बाद बच्चों का ये भी था कि जो एग्जाम्स अभी हुए हैं उसका अंडरटेकिंग का, फिर उस अभी जो एग्जाम्स हुआ है उसका जीरोक्स क्वेश्चन पेपर था तो वो ओरिजिनल हो वैसे, तो सी एस सर ने यही बोला है कि बच्चों से उनका यही उन्होंने बोला है कि आप एग्जाम्स लिखिए, अभी वो बच्चों के ऊपर है एग्जाम्स लिखे ना लिखे, क्योंकि बच्चे सेटिस्फाई नहीं है। अगर बच्चे एग्जाम्स लिखते हैं तभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी अभी भी बच्चे सेटिस्फाई नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं है। बच्चों से हम यही कहते हैं कि जो भी है आप यूनिटी के साथ करें, क्योंकि यूनिटी टूटेगी तो आपकी समस्या का समाधान के लिए हम साथ मिलकर लड़ नहीं सकते, और एबीवीपी इन बच्चों के साथ खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। थैंक यू सीमा जी हमसे बात करने के लिए, और आज का लगता है ये खत्म हो चुका है और काफी ट्रैफिक भी वो हो रहा है। चलिए शुरुआत से जैसे हम देख रहे हैं कि सागर इस पूरे ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं कि जो सीएसआर से मीटिंग हुआ उसके बारे में उनको क्या कहना है हमारे व्यूअर्स को। देखो सर को ये प्रॉब्लम का पूरा आइडिया है, पूरा स्टडी करे है, और हम बोलने से पहले सर खुद ही बोल दिए कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ। हम जो बोल रहे थे कि प्रिंसिपल सर का जो अपॉइंटमेंट है वो फेक है, वो सर को पता है, हाँ सर को पहले से पता है, सर ने स्टडी किया है और सर ने ये वर्ड भी यूज़ किया, कुछ अनवांटेड लोगों को हमने बैठा के रखा है जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम हुआ, क्लियरली बोला और बोला कि इसके ऊपर में जल्द से जल्द इंक्वायरी होगा और जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। और आज जो बच्चे का प्रॉब्लम हुआ, जो तीन साल से बच्चों को इतना लॉस हुआ, ये लॉसेस के ऊपर में भी बात हुआ, तो ये लॉसेस को भी जल्द से जल्द क्लियर करेंगे और ये जो भी ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स के फेवर में होगा करके ऐसा बताइए, जो भी आज के दिन में सोल्यूशन आएगा स्टूडेंट्स के फेवर में आएगा। कंफर्म? हाँ कंफर्म बोला, ऐसा मतलब मुंह से बोला। देखो रिटर्न डॉक्यूमेंट तो कोई एश्योरेंस नहीं है, तो रिटर्न होना नहीं होना हो तो सर के ऊपर, और सर से बहुत उम्मीद है क्योंकि सर पहले फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर थे और सर का बहुत पॉजिटिव टॉक और पॉजिटिव लैंग्वेज था हमारे प्रति। तो आप लोग खुश हैं? खुश है, उम्मीद है। हम इनमें जो भी हम अंदर जाके बात किया, ऐसे 10 स्टूडेंट 10 लोग जो अंदर जाके बात करे, अंदर जो बातचीत हुआ वो सच को हम लोग बाहर रखे, ऐसा नहीं कि हम लोग अपना बना के बोल रहे, ये नहीं, क्योंकि ऐसा लीडर कल को ये नहीं हो कि मेरे ऊपर में कोई हाथ उठे। तो अंदर जो बात हुआ हम यहाँ बताया और बच्चे कन्विंस है या नहीं है ये शाम तक जो भी है डिस्कस करके बताएंगे, और कल से स्ट्राइक कंटिन्यू होगा या नहीं होगा वो भी हम लोग डिस्कस करके बताएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ये चीज़ से कन्विंस है नॉट कन्विंस वो स्टूडेंट डिसाइड कर सकते, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते उनके प्रति। और
और जो अमलाश में ये बोलना चाहता है कि मेरे को सी एस सर से बहुत उम्मीद है। सी एस सर जो है बहुत पॉजिटिव लैंग्वेज में बोले और हमको स्टूडेंट्स को प्रति स्टूडेंट्स को लेके सी एस सर बहुत सीरियस है, क्योंकि पहले जो हम लोग मिले, पहले जितने सेक्रेटरीज लोग से मिले, पहले ऐसा कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया और हमने अबे प्रॉब्लम बोलने से पहले वहाँ से प्रॉब्लम बता दिया गया पहले से। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सी एस सर इसको जल्द से जल्द क्लियर करेंगे और जो है हमारा जो जो भी प्रॉब्लम है जो इतने सालों से चलता आया है, सी एस सर ने ये वर्ड भी यूज़ किया कि लास्ट 13 सालों से जो प्रॉब्लम चलता आया है, सो ही नोज एवरीथिंग, तो इसको जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकलेगा। और मैं सारे न्यूज़ चैनल्स को थैंक यू करना चाहूँगा, स्पेशली अनमान 24x7 को भी थैंक यू करना चाहूँगा जो हमें शुरू से ले रहे कवर कर रहे और हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। सागर जो बोले हम लोग अंदर में वही हुआ, अब भी हम लोग बोल नहीं सकते, हम लोग खुद से डिसाइड नहीं कर सकते अभी, इस लोग क्या करेंगे, हमारा फ्रेंड है भाई बहन लोग सबको, अभी इस लोग का जो डिसाइड करेंगे हम लोग वही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। चलो लेकिन थोड़ा बहुत एश्योरेंस मिला आप लोग, थोड़ा बहुत एश्योरेंस मिला सी एस सर, गए थे मीटिंग में जी सी एस सर से बात करके हम लोग को सेटिस्फाइड तो एकदम नहीं है, जो अभी तक हम लोग को रिटर्न में कुछ मिला नहीं, ऐसा कुछ एश्योरेंस नहीं मिला, लेकिन फिर भी थोड़ा उम्मीद है सी एस सर से। न्यूज़ अंदमान 24/7 को हम लोग दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमेशा आके हमेशा हम लोग कवर करते रहता है, हम लोग जितना दिन भी स्ट्राइक में बैठे हुए वहीं पे हर दिन हम लोग आके कवर करते था। थैंक यू। तो आखिर ये फैसला हुआ कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने बच्चों को पूर्ण आश्वासन दिया कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएंगे और बच्चों से गुजारिश की कि वे अपनी परीक्षाएं जरूर दें। अब हम आगे देखेंगे कि बच्चों ने क्या निर्णय लिया है, बच्चे परीक्षा देंगे या बॉयकॉट करेंगे। हमसे जुड़े रहिए आगे की अपडेट के लिए। इसी के साथ मैं अनिता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।